हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रांसपोर्ट यूनियन पाली की ओर से पिछले चार रोज से चल रही अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल आज उस वक्त उग्र हो गई जब सरकार की ओर से वार्ता को लेकर कोई संकेत नहीं मिलने पर यहां के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर जाम लगाते हुए यहां से गुजर रहे लंबी दूरी के ट्रकों को भी रोकना प्रारंभ कर दिया। वहीं पुलिस इस पूरी कार्रवाई में मुखदर्शक बनी रही। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने आज सुबह से ही नया गांव बाईपास के निकट लंबी दूरी के ट्रकों को रोकना प्रारंभ कर दिया था। इन व्यवसायियों का कहना है कि चारों ओर से चल रही हड़ताल के बाद भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते उन्होंने ये सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर देर शाम तक सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो वो मंगलवार से दूध और सब्जी की सप्लाई भी पूरी तरह से रोक देंगे। टोल टैक्स खत्म करने के साथ साथ डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।